और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक दुखद खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का आज निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर जम्मू कश्मीर के सीएम का आज निधन हो गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। वो काफी दिनों से एडमिट थे, उनकी तबीयत खराब चल रही थी, एम्स में उनका आज निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और दुखद खबर। अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, एक बेहद ही दुखद खबर। निश्चित तौर पर बेहद दुखद खबर है। और जिस तरीके से जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, ये आजादी के वक्त इन्होंने पूरा देखा था और इनकी उम्र 80 साल के आसपास थी और कुछ दिन पहले ये दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ये भर्ती हुए थे। और अब जो डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक इनके जो शरीर के अंग हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। तो पिछले काफी समय से डॉक्टर्स इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से सुबह कॉम्प्लिकेशन आए इनकी बॉडी में, उसके बाद डॉक्टर भी उनको बचा नहीं पाए और उनकी यहाँ मौत हो गई। फिलहाल अब जितने भी सरकार से जुड़े लोग हैं और इनकी पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो सब गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं। जी अनुराग, कब उन्होंने अंतिम सांसें ली और क्या कहा डॉक्टर ने, कितने दिनों से वो एडमिट थे? देखिए, करीब आधा घंटे पहले की ये खबर है। आधा घंटे पहले उन्होंने दिल्ली का जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ पर आखिरी सांस ली और पिछले एक महीने से जो यहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद सईद भर्ती थे, और अभी आधा घंटे पहले ही जो एम्स के डॉक्टर हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उनका निधन हो गया है। और उसके बाद इसको एक बड़ी राजनीतिक क्षति इसको बताया जा रहा है और जो तमाम जो लोग हैं राजनीति से जुड़े, उनका कहना है कि एक बड़ा लॉस है पॉलिटिक्स के लिए। जी जी अनुराग, तो अब तक वहां पर कोई पहुंचा हुआ है? हालांकि हो सकता है उनके घर वाले तो होंगे ही, लेकिन बाकी कौन कौन वहां पर अभी मौजूद है? देखिए, अभी कुछ देर में जो पीएमओ के राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, वो वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जो पार्टी है पीटीपी, उससे जो लोग हैं जिनको इस बात के बारे में मालूम था कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, वो सब तमाम लोग दिल्ली में रुके हुए थे। तो अब सभी लोग थोड़ी देर में एम्स पहुंचेंगे और उनके जो परिवार के लोग हैं वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखा जाएगा कि उनकी जो बॉडी है उसको पहले दिल्ली में यहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा या फिर सीधे उनको जम्मू कश्मीर ले जाएंगे। जी जी अनुराग, कह सकते हैं काफी बेहद ही क्षति कही जा सकती है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने भी सत्ता संभाली थी और उसके बाद आज ये खबर आना, तो जाहिर सी बात है कि एक क्षति के तौर पर ही देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी राजनीतिक क्षति है। जिस तरीके से मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में कहा जाता था कि काफी ये मंझे हुए नेता थे, जम्मू कश्मीर में जो विवाद चलता था उस विवाद को उन्होंने सुलझाने के लिए अपनी काफी अहम भूमिका निभाई थी, वो प्रयास सफल हुए नहीं, लेकिन उन्होंने काफी अहम योगदान इसमें दिया था। इसके अलावा जो वहाँ के युवा थे, युवाओं को हमेशा संगठित करके रहते थे और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत ज्यादा हावी था, तो उस पर उन्होंने अपनी उस पर काफी उन्होंने मेहनत की थी। इसके अलावा आजादी का वक्त उन्होंने देखा था, आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपना काफी अहम योगदान दिया था। ऐसी जो बातें हैं वो जो तमाम तरह के पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं, तो बड़ी इसको राजनीतिक क्षति के रूप में सभी लोग देख रहे हैं। जी जी और अनुराग, हालांकि ये तो कहना भी जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अभी उन्होंने पूरा संभाल रखा था अपना कार्यकाल को और ऐसे में उनका अब ना रहना, तो कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले दिनों में दिक्कतें भी होंगी काफी। जी बिल्कुल, अभी उन्होंने कुछ महीनों पहले ही अपना कार्यकाल संभाला था और उसके बाद उनको यहाँ पर जिस तरीके से काम करने का मौका मिला था, तो ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से वो यहाँ पर नौजवानों के बीच में काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो एक वैमनस्यता फैल गई है उसको दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, तो काफी उम्मीदें उनसे थी। लेकिन अब जिस तरीके से उनकी बीमारी थी और उसके बाद उनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा जहाँ पर उन्होंने आखिरी सांस ली, तो उसके बाद निश्चित तौर पर परेशानी तो है ही उनके परिवार के लोगों के लिए, उनकी पार्टी के लिए। अब देखना होगा कि अब किसका चेहरा ये पार्टी आगे करती है। फिलहाल ये वक्त इन सब बातों को सोचने का नहीं है, सभी लोग इस वक्त गमजदा हैं। उनका कहना है कि
इस मौत के बाद जो जो एक क्षति है ये बिल्कुल अपूर्णीय क्षति होगी। जी बिल्कुल अनुराग, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार इससे आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 12 जनवरी 1936 को साउथ कश्मीर के बिच बिहारा में उनका जन्म हुआ था। 1987 तक मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस के साथ भी जुड़े रहे और 1987 में राष्ट्रीय मोर्चा ज्वाइन किया उन्होंने। वीपी सिंह सरकार में भी वो गृह मंत्री रहे थे और दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक देश के गृह मंत्री रह चुके हैं मुफ्ती सईद। 1999 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी पार्टी पीडीपी बनाई और मुफ्ती मोहम्मद सईद पहली बार 2002 से 2005 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। फिर 1 मार्च 2015 को मुफ्ती मोहम्मद सईद दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने। और फिलहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो एम्स की दिखा रहे हैं जहां वो एडमिट थे और आज उन्होंने अंतिम सांसें भी ली है। तो अब धीरे धीरे लोगों का पहुंचना शुरू होगा, लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं। अनुराग, फिलहाल वहां पर क्या ताजा अपडेट है, कौन कौन वहां पर पहुंचने वाला है, कुछ जानकारी लग पाई? हालांकि बहुत जल्दबाजी है ये भी पूछना। जी बिल्कुल दीपाली, इस तरीके से ये खबर अब फैली है राजनीतिक गलियारों तक, तो उसके बाद जो तमाम नेता है उनका पहुंचना अब एम्स में शुरू होगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अभी जो जितेंद्र सिंह है जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर से ही उनका ताल्लुक है, तो वो अब अभी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जो उनकी पार्टी से जुड़े लोग हैं वो उनमें से आधे लोग दिल्ली में हैं, तो वो अभी वहां पहुंचेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी है, ये सब तमाम ऐसे लोग हैं जिनका अभी पहुंचना शुरू होगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि जिस तरीके से एम्स के बाहर सिक्योरिटी लगाई गई है उसके बाद कहीं ना कहीं लगता है कि जो जितने भी बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं वो अभी कुछ देर में एम्स पहुंचेंगी। आगे का कार्यक्रम अब किस तरीके से होगा ये तो जो उनके परिवार के लोग हैं वही बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई बातचीत यहाँ पर नहीं हो रही, क्योंकि एक बड़ी क्षति है उनके परिवार के लोगों के लिए, उनकी पार्टी के लिए। तो सभी का ये कहना है कि बस अब जिस तरीके से अब मौत के बाद श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू होगा, क्योंकि काफी लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के, और बीजेपी के जो कई बड़ी बड़े मंत्री हैं, बड़े आलाकमान नेता हैं, उनसे भी उनकी जो रिलेशनशिप थी काफी अच्छी थी। तो सभी अब लोग ये लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद जो आने का कार्यक्रम है वो उनके परिवार के लोगों के साथ मिलकर तय करेंगे। जी अनुराग, और कुछ दिन पहले राजा सिंह भी उनसे मिलने पहुंचे हुए थे, और किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी और हालात इतने खराब हो जाएंगे कि फिर वो हमारे बीच नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अभी कुछ महीनों पहले जम्मू कश्मीर की सत्ता संभालने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद अचानक ऐसी बीमारी से घिर जाएंगे कि वो नहीं रहेंगे। सभी को इस बात की उम्मीद थी कि जो एम्स में उनका इलाज चल रहा है वहां से बिल्कुल वो स्वस्थ होकर निकलेंगे, लेकिन पिछले 2 दिन पहले ही उनकी जो तबीयत थी वो ज्यादा खराब हो गई थी, और डॉक्टर्स ने उनके परिवार के लोगों को बता दिया था कि अब वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, उनके शरीर में काफी कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। तो इस वजह से उनके परिवार के लोगों को तो पहले ही मालूम चल गया था, क्योंकि डॉक्टर ने हाथ उठा दिए थे, लेकिन अब जिस तरीके से आज सुबह की अगर हम बात करें, डॉक्टर्स ने ये बताया कि उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। अब ये जो खबर है पूरे राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है और सभी ने इस मौत को बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति बताया है। सभी का ये कहना है कि अभी जब जम्मू कश्मीर का उन्होंने पूरा सिस्टम संभाला था तो उसके बाद काफी तरक्की की इबारतें वहां पर लिखी जा रही थी, जो वहां पर आतंकवाद की जो जड़ें मजबूत। शुक्रिया अनुराग, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जम्मू कश्मीर के सांसद जुड़ चुके हैं जुगल किशोर। जुगल किशोर जी, क्या कहेंगे, एक राजनीतिक क्षति है ये? देखिए मुफ्ती साहब का इस संसार से जाना और खासतौर पर जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए बहुत ही एक घाटा है। ये क्षति जो है ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कभी पूरी नहीं कर सकेगा, और जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए जो सेवाएं मुफ्ती साहब ने दी हैं वो सेवाएं पूरी उम्र तक जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो याद रखेंगे। उनके स्वभाव में सबको साथ लेकर चलना,
और फिर देश के प्रति अपना समर्पित जीवन, वह गृह मंत्री भी इस देश के रहे हैं, उस दौरान भी उन्होंने जो देश की सेवा की है वो भी आज तक लोग याद करते हैं। लेकिन खास तौर पर जो इस समय जम्मू कश्मीर में सरकार चल रही है, उस सरकार के चलते मुफ्ती साहब का चले जाना मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही अफसोसजनक बात है। बिल्कुल जुगल जी, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे सत्ता को संभाल रखा था और जिस तरीके से बैलेंस करके वो चल रहे थे, और ऐसे में अब उनका ना रहना कहीं ना कहीं अब काफी कमी खलेगी, अब बहुत कमी खलेगी। और इस कमी को जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो कभी भी पूरा नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे नेता जो हैं, मुफ्ती मोहम्मद सैयद जैसे नेता कभी कभी इस संसार में आते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन अमन और शांति के लिए, सद्भाव के लिए और फिर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए लगाया है। मुझे बहुत ही अफसोस है उनका इस दुनिया से चले जाने का, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वर्ग में अच्छी जगह दे और उनके परिवार को और जम्मू कश्मीर की जनता को इस सदमे को सहने का साहस दे। जी, आपको उनके बारे में कुछ बात याद है या फिर आपकी कब उनसे आखिरी बार मुलाकात हुई थी? हाँ, देखिए ऐसा है कि पिछले दिनों जब हम मैं उनके साथ 2002 से लेकर 2008 तक उनके साथ मैं विधायक के नाते काम किया हूँ, और जब भी हमें उनके चैम्बर में जाना होता था हम अपोजिशन में थे, लेकिन अपने जो उनके अपनी पार्टी के लोग थे उनको कम महत्व देकर, अपोजिशन के लोगों को बहुत ज्यादा महत्व देकर उनकी बात सुनना, उनका काम करना, उनको लेकर आगे बढ़ना और अच्छा काम करने का उनको शाबाशी देना, ये उनके स्वभाव में था। और मुझे लगता है कि ये उनका जो स्वभाव है ये बहुत ही अच्छा स्वभाव था, जिसका एक अच्छा परिणाम निकला कि ये जो आतंकवाद को भी खत्म करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जुगल जी। तो काफी राजनीतिक क्षति कही जा सकती है, बेहद ही दुखद खबर, आज उनका निधन हो गया।